भैया ताजमहल के लिए ऐसे ही सीधा जाए ना, आगे। अच्छा, फिर ऐसे, ठीक। अरे ले लिए
नहीं भैया पूरा पहले ताजमहल जाऊंगी सारा एक एक देख देख के जाऊंगी। थैंक यू। ऑटो साइड के करा लोकल सस्ता पड़ेगा आपको, साइड के आगरा फोर्ट है, ताज फोर्ट, मेहताबाद बैक साइड से भी आपको सब करा देंगे आपको। अच्छा आगरा फोर्ट है? हाँ जी हाँ जी। हाँ से मेहताबाग सनसेट पॉइंट है पीछे से भी, हाँ वहाँ से आपको सब चीज करा देंगे आपको। कोई बात नहीं भैया, आप खाना वाना लैंड मार्केट वगैरह सब चीज घुमा देंगे आपको। सस्ता पड़ जाएगा आपको। कितना आप लेंगे? अरे आप बताओ दे देना आप। नहीं नहीं फिर भी बताइए तो। अभी तो वैसे मेरा प्लान यही है कि पहले ताजमहल जाकर शाम को देखना, जब सनसेट हो ना तब देखना। नहीं सुबह शाम दोनों देख लूंगी भैया मैं ना। अच्छा, आप लेकिन बता दो फिर भी आपका क्या प्राइस है? 350। अच्छा 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 तो ठीक है भैया, फिर मैं पहले ताजमहल तो होके आती हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी तो चल ही लेंगे। ठीक है क्या पता हो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू भैया। तो पैसे देने पड़ेंगे ना।
थैंक यू। खड़े है चाय कॉफी पराठा पूरी भाजी, आप मेरे रिव्यूज भी चेक कर सकते हो ऑन द ट्रिप एडवाइजर। ठीक है, वापसी में मैं चाय पीती हूँ आकर। ओके ठीक है, रिलैक्स। थैंक यू। Without guide, you just stay there. I'm from the Department of Tourism, government person, guide. नहीं नहीं, गाइड नहीं चाहिए। थैंक यू। Not too much. No no, thank you. Only 250 rupees out of charge. No, thank you. This is the glory of the India.
There are many, many things to see with Kai. There is incomplete foundation history of Taj Mahal, of calligraphy, optical illusions, metal balance. I'm from the department of coffee. Only 250 rupees I'll charge. No, thank you. Thank you. But I will operate your camera as well inside the Taj Mahal. Huh? I will operate your camera as well. Achha, you will also operate the camera. Yeah. तो भैया आप गाइड लेकिन इंग्लिश में कर लेंगे? बिल्कुल कर देंगे। ठीक। Are you coming here first time? First time to बहुत बचपन में आई थी लेकिन बड़े होकर पहली बार आई हूँ. तो आप यहीं से आगरा से ही हैं? अच्छा यहीं से. ओ अच्छा. तो ये वाला जो ताजगंज है ये मतलब यहाँ का मतलब पॉश एरिया में आता है? बिल्कुल मैडम. सबसे ज्यादा पॉश एरिया में आता है ना? लेकिन दिक्कत ये है, दिक्कत ये है, सबसे ज्यादा परेशानी इस वजह से आता है न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं 500 मीटर्स में. न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं है? अच्छा. तो लेकिन ये परेशानी क्यों है? परेशानी ऐसा है ना, एक बार अगर मकान वगैरह दुकान वगैरह आपकी खराब हो गई तो फिर आपको जाना पड़ेगा. अच्छा. तो नहीं करा पाएंगे. अच्छा अच्छा अच्छा. कि घर गया तो फिर आपका ये नहीं है आप. वो फिर ऐसे टूटा हुआ ये सब पड़ा वैसे ही रहे. वैसे ही रहेगा. ओह आपने देखा होगा यहाँ आसपास में पुराने जमाने जैसे जो घर बने हुए ना. अच्छा. अगर ये हट जाए ना. हाँ जी. तो बहुत ज्यादा आगे बन जाएगा. और लेकिन कंस्ट्रक्शन वैसे मना है क्यों? ताकि मतलब वही पुराना हेरिटेज रह पाए. तो आपका भी घर पुराना ही बना हुआ होगा फिर तो. ये बारकोड बेटा ओपन है जो बारकोड स्कैन कर. ठीक है.